बता दीजिए उनकी शायद तबीयत खराब है या ऐसा कुछ। हाँ, ईश्वर जी की तबीयत तो ख़राब है मगर उनकी हालत में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनके थोड़ा मूवमेंट हुआ है। सो मैंने ऐसा था सीन कि मैंने मन्नत मांगी है कि अगर भैया की हालत में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट होगी मैं उन्हें मन्नत मतलब उस मंदिर में लेके जाऊंगी। तो बस अब इस सीन के बाद मैं उन्हें वहाँ लेके जाऊंगी। तो इम्प्रूवमेंट किस वजह से हो रही है मैं पूछ रही हूँ? क्योंकि एक डॉक्टर आए हैं बाहर से और बस उन्होंने अपनी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपना ट्रीटमेंट दिया और उसी की वजह से इम्प्रूव। ओके, लेकिन आपके सीन से बाहर जाने के बाद वो काफ़ी रो भी रहे थे किसी चीज़ को लेकर, शायद किसी डॉक्टर की डेथ हो गई समथिंग। हाँ, जो डॉक्टर उनको ठीक करने आए थे उनकी डेथ हो गई है। सो और उनका एक बहुत क्लोज कनेक्शन था उनके साथ, कनेक्शन एज इन उन्होंने उनको काफ़ी हेल्प किया था एक टाइम पर, तो बस उनकी डेथ हो गई, वो ठीक करने आए थे इसीलिए। और जो अब मतलब इतना उनका जद्दोजहद करेगी उनको ठीक करने के लिए, जैसे आपने कहा मन्नत रखी है आपने, उसके अलावा और क्या? रज्जो हमेशा कुछ ना कुछ भाई के लिए करती रहती है क्योंकि रज्जो इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द ब्रदर, तो इसीलिए जब भी उसके भाई को कुछ तकलीफ होती है तो उतनी तकलीफ उसको भी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए वो हर कोशिश करेगी और करती आई है। ओके, लास्टली हमने देखा सीन जब कट हुआ तो आप और देवांशी काफ़ी मस्ती कर रहे थे, तो कैसे बॉन्ड रहता है बच्चों के साथ? वो जितना ऑन स्क्रीन दिखता है उससे भी ज़्यादा ऑफ स्क्रीन वो मेरे ऊपर चढ़ती है, उसको मैं दिख जाऊँ जैसे बंदर होते हैं ना ऊपर चढ़ जाएंगे, वो मुझे एकदम उसकी तरह रखती है। तो कहीं भी शॉट के बीच में अगर इसकी नज़र मेरे पे ऐसे चली गई तो वहीं खुश हो जाएगी, बेशक शॉट कट होना पड़े, तो वो जैसे मुझे देखते बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो इसीलिए हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो भले सीन में कुछ भी हो रहा हो ऑफ स्क्रीन तो बहुत जल्दी। हाँ, कट होने जितना भी इमोशनल सीन हो कट होते ही वो मेरे ऊपर पूरी गोदी में घूमती है पूरे सेट में वो मेरे साथ। थैंक यू।